नगर निगम चुनाव को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों की लंबी लंबी कतारों में कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए वोटिंग करवाई जा रही है और वोटिंग के लिए लोगों को इंतजार भी करना पड़ रहा है, जिसमें बुजुर्गों ने भी काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और फर्स्ट वोटरों ने युवाओं का भी काफी उत्साह दिख रहा है। एमपी किरण खेर ने भी आकर वोट डाली और एक्स मिनिस्टर पवन कुमार बंसल ने भी अपने परिवार के साथ लोकतांत्रिक वोट का अधिकार करने के लिए लोगों को अपील की और खुद भी वोट डाले। और बाकी मेयर रविकांत शर्मा, अरुण सूद और कांग्रेस के गुरप्रीत सिंह और आपके नेता प्रेम गर्ग ने भी अन्य पार्षदों ने भी अपना वोट डाला। इसी के साथ आपको बता दें, बंदोबस्त के बीच वोटिंग कराई जा रही है और साथ में आर्मी के और सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद हैं। कांग्रेस के नेता व पूर्व सांसद पवन कुमार बंसल सेक्टर 28 के गवर्नमेंट स्कूल में मतदान करने पहुंचे। इस दौरान वह अपने पूरे परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे थे। उनकी धर्मपत्नी मधु बंसल, पुत्र मनीष बंसल भी शामिल थे। मतदान करने के काफी संख्या में लोग आ रहे थे और उन्हें उम्मीद है कि इस बार काफी संख्या में लोग मतदान भी करेंगे। हाँ जी, दसो उनकी पूछना। बीजेपी की जीत को कैसे सुनिश्चित करते हैं नगर निगम? बाजी आगे करना माइक। सुनिश्चित करती हूं तो सुनिश्चित डाउन करना ये करेंगे। मोबाइल हमारे जो काउंसलर बनेंगे हैं सर, फ्रेम ले लेंगे आते हैं हम। और क्या मैम, कितने सेटिस्फाई हो आज वोटिंग हो रही है? ते 2000 सेटिस्फाइड हूं मैं अपनी वोट पाई जी। लुधियाने ब्लास्ट को लेके मैडम क्या कहना चाहोगे? इट्स वेरी सैड, वेरी सैड। देखो जी, घटना कितने भी नहीं होनी चाहिए पूरे देश। बहुत दुख होया। अनुपम तो कल लुधियाने सी, अनुपम जी वो तो आज निकले दिल्ली में। मैडम, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इस बार म्यूनिसिपल कारपोरेशन में कांग्रेस पार्टी विजय होकर आएगी। हाँ हो जरूर, जो मैं पिछली बार सत्यानाश किया था इस बार भी आ गए। पवन बंसल जी का कहना है कि 813 करोड़ रुपए का बजट था, जिसे 413 करोड़ एग्जीक्यूट किया बीजेपी ने 500। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं बंसल साहब से एक दो बात पूछना चाहती हूँ। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि बंसल साहब, जब आप इस शहर के एमपी थे, काफी टर्म्स थे ना वो, और सेंटर में थी सरकार हमारी, उनकी मतलब कांग्रेस की, मिनिस्टर भी थे वो, हमेशा रहे मिनिस्टर। चंडीगढ़ तो कभी कभी टच करते थे और वो हमेशा बोलते थे अफसर नहीं सुन दे। ये अफसर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी सुन दे, जिन्होंने उन्होंने इतने भेजा मिनिस्टर की भी सुन दे, तो कि सुन गए साड़ी कि सुन लेंगे साड़ी तो सुन लेंगे, साढ़े काम भी कराए सारे ने। ते मतलब ये बकवास गल है, इसको मानने वाली बात नहीं है। मैं प्रेम गर्ग चंडीगढ़ वासियों से अनुरोध करता हूँ कि आप आम आदमी पार्टी के सभी उम्मीदवारों को झाड़ू का बटन दबाकर कामयाब करें। आम आदमी पार्टी आपसे वादा करती है कि चंडीगढ़ में भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम देंगे और आपके टैक्स के पैसे का पूरा सदुपयोग करेंगे। आपको कूड़े के ढेरों से मुक्ति मिलेगी और चंडीगढ़ में फ्री पेड पार्किंग और बाकी सुविधाएं उस तरह से मिलेंगी कि आप पांच साल के बाद ये कहोगे कि आम आदमी पार्टी को ही वोट देना है। हम 5 साल के बाद आपसे काम पर वोट मांगेंगे, ना कर ना के नाम पर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वोट डालना हमेशा अच्छा लगता है, एक कर्तव्य है, एक अपना फर्ज है जो हर एक नागरिक को निभाना चाहिए। और अभी मुझे बताया कि ठीक, बेशक बहुत शांत पूर्वक एक ढंग से सब काम हो रहा है और मुझे बताया, लेकिन अभी तक 200 वोट पड़ चुकी हैं एक बूथ में, 8 में जिसमें मैंने डाली। तो मैं समझता हूँ शाम तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डाल पाएंगे और अच्छी परसेंटेज यहाँ हो। ये अच्छी चीज़ है कि हमें जो लोकतांत्रिक हमारे प्रोसेसेस हैं उसमें सब लोग हिस्सा लें। सर क्या लगता है इस बार कांग्रेस जीतेगी? बहुत शानदार जीत कांग्रेस की होगी। हर पहलू पे भारतीय जनता पार्टी ने शहर की अनदेखी की है। शहर और जितने फंड्स, मैंने वो बिल्कुल विस्तार से पहले कहा हुआ है, कांग्रेस के लास्ट बजट में 813 का प्रावधान था, इन्होंने उसी वक्त कम करके उसको 418 कर दिया था और आज तक बढ़ाते हुए भी 618 पे पहुंचे हैं, जबकि 7.5 वर्ष पहले कांग्रेस के समय 813 था। और वही अगर दर पे बढ़ता रहता तो आज तक ये 1500-1600 करोड़ हो चुका होता सिर्फ नए प्रोजेक्ट्स के लिए, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सर लोगों का रुझान लगता है कि इस बार कांग्रेस की तरफ है महंगाई को लेकर? महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो जिस पे बहुत ज़बरदस्त रेट न बढ़े हों। गृहिणी बुरी तरह प्रभावित हैं, लोगों की लिमिट अपनी पैसे की, अपना जो उनका आमदनी है बहुत कम है और रोज़गार लोगों के छिन चुके हैं, बहुत लोग बेरोज़गार हुए हैं। इन चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं, सिर्फ एक पोस्चरिंग है
सरकार की तरफ से, दिखावे की बातें हैं, असल में सब्सटेंस कुछ नहीं है। लगता है कि इस बार रुझान कांग्रेस की, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह कांग्रेस जीतेगी। आपका मंत्री, ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।